अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएचएम कर्मचारी हैं जो पिछले 23 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, आज उनकी मेहनत रंग लाई है, आज उनमें खुशी की लहर दौड़ रही है कि सरकार ने उनकी जो मांगे हैं मान ली है। आज इतने खुश हैं कर्मचारी कि सरकार ने उनकी मांगों कुछ मांगों को मान लिया है और कुछ मांगों का उन्हें आश्वासन दिया है। आइए कर्मचारियों से बात करते हैं कि किस तरह से वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं कि सरकार ने जो आपकी है मांगे मान ली हैं, आज एक खुशी की लहर भी आप में देखने को मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरी बात सबसे अच्छी ये हुई है कि हमें अपने एनएचएम के भाईचारे की ताकत का पता चला है। कुछ भाई हमारे बीच में इधर उधर हो गए थे, वे भी वापिस आगे चुके थे। तो और दूसरी बात, हम या तो खट्टर साहब हमारी बात बहुत जल्दी मान ली है, जल्दी सी उसने रिटर्न में हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज भेज देंगे, नहीं तो यह इधर ही उड़ा है और ये एनएचएम के साथी बिछाने में हम देर नहीं लगावांगे, बहुत जल्दी एकता के साथ हम वापिस आ जाएंगे। तो कितनी मांगे आपकी मान ली गई है? सभी मांगे मान ली गई हमारी। बताएंगे सरकार ने जो आपकी मांगे मान ली गई है? देखो मैडम, अभी मानी नहीं है, लेकिन सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी आपकी सभी मांगे मान ली जाएंगी और एक दो दिन में शायद हमारी राज्य कमेटी सीएम सर से मिलेगी और सीएम सर यही कह रहे हैं कि भाई आपकी सभी मांगे मानी जाएंगी और देश हित को देखते हुए इसलिए हम अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। और अगर हमारी सीएम सर से यही विनती है, जल्दी हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं मानी जाती तो दोबारा हमारी दरी और हमारी हड़ताल, हमारा भाईचारा तैयार। तो जैसे आपकी मांगे आज आश्वासन दिया गया है, मांगे मान ली गई हैं, तो कब से आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं? आज से ही, हम दोपहर बाद से हम ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और एक साथ हम इसी दरी से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। बताएंगे सरकार ने आपकी जो मांगे मान ली है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने हमारे से अपील की है कि देश को देखते हुए आप अपनी हड़ताल वापस लो और आपकी सभी मांगे जायज हैं, आपके सारे लेटर जारी कर दिए जाएंगे, सहमत पे कमीशन का और संशोधन वाला और सेवा सुरक्षा का, आपकी सभी मांगों पे हम सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सभी मांगे आपकी जल्दी लेटर जारी हो जाएंगे, मान ली जाएंगी। और हमारे अंदर भी हम भी देशभक्त परिवारों से हैं, हमारे सभी के परिवारों से आर्मी में हैं, तो हम भी अपने कर्तव्य को समझते हैं कि भाई ये टाइम है, भाई हमें देश की सेवा का है। अगर हम हड़ताल में रहते ना तो भी अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती तो हमारा स्टाफ हड़ताल पे रहते हुए भी हम पीछे नहीं हटते, हम बिना वेतन के अपना मदद करते, अपने देश की हेल्प करते। लेकिन अब हमारे स्टेट डेलीगेशन ने फैसला लिया है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि देश को देखते हुए आपकी सभी मांगे मान ली जाएंगी और जल्दी लेटर जारी हो जाएंगे, आप हड़ताल वापिस लो और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो ताकि देश पे क्या पता क्या संकट आ जाए, तो आप अलर्ट करो। तो कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं? आज ही इसी तरह से हमारी ज्वाइन हो जाए। यहाँ मेरे साथ एम्बुलेंस कर्मचारी भी मौजूद हैं जो पिछले 23 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, जैसे कि सरकार ने इनकी मांगे मान ली हैं, तो बातचीत करते हैं एम्बुलेंस कर्मचारियों से। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि सरकार ने जो आपकी मांगे मान ली हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार शायद तो पहले मान सकती थी और सरकार ने हमारी मांगे मान ली, हम अपने दरी से उठाएं, हम अपने समाज की सेवा करेंगे। और देश में युद्ध की स्थिति चल रही है, हमने जो हड़ताल है वो ऊपर से उठ रहे हैं, हमें स्थगित कर दी है, हमारी मांग मान ली है और हम अभी अपनी सेवा करें। तो कब से आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं? आज से एक हफ्ते में ड्यूटी कर रहे हैं। क्या आपकी सारी मांगे मान ली गई है? सारी मांगे तो नहीं मानी गई है, कुछ मांगे हैं जो कि पेंडिंग छोड़ दी हैं और वो भी जल्दी मान ली। हमारा ये है कि हम अपने सभी अपने अपने मांगे लौट जाएंगे और सरकार ने जो हमारी मांगे मानी है उन मांगों पे हम अपने सहमति है, और जो भी जो हमारी बाकी जो बची है उनके लिए सरकार ने बोल दिया भाई दो दिन का हमें टाइम दिया जाए, एक दो दिन में वो हमारे से जिला कमेटी से बैठ कर वो अपनी मीटिंग देगी और उसमें वो हमारी सारी बातें हमने यार नहीं मानते हैं तो यही धरी है और यही हमें और यही भाईचारा है, हम अपनी उस ट्रेडिंग देंगे।
अगर सरकार मान लेती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी नौकरी अपने काम पे ले जाएंगे, हमने सेवा करनी सेवा में। बताएंगे सरकार ने जो आपकी मांगे मान ली है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो सरकार ने जो मांगे मान ली है उसके बारे में तो सरकार का हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और सरकार ने जो लंबे समय से उठाए रखे हमें गरीब पर, उसके लिए भी हम, हमारा उदासीन रवैया है, क्योंकि हम जो है घर से कार्य करने के लिए आते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में तो मूल रूप से माने तो ये सेवा भाग का कार्य है, तो इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। कब से काम शुरू कर रहे हैं आप? कार्य तो हम आज से शुरू कर रहे हैं, अभी से। अब जैसे कि धनेश्वर से जाएंगे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, कोरोना कार्य शुरू कर देंगे। बताएंगे जो आज सरकार ने आपकी मांगे मांगी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए सरकार को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 की मांग जब पूरी होगी, जो हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार को हरियाणा में लाना चाहती है, जब एनएचएम को, पूरे एनएचएम को हरियाणा में नंबर वन बना देगी, तो बीजेपी सरकार भी हरियाणा में आ जाएगी। कितनी मांगे आपकी मांगने की? हमारी मांगे, मैं कहूँ तो मेरी, हमारी मांगे अभी कोई नहीं मानी है, और मांग हम उस दिन मानते हैं जिस दिन हमारी लिखित रूप में हमारे पास आ जाएंगी। पूरा एनएचएम उसी मांग के पे अड़ा हुआ है, और आज उन मांगों को आश्वासन दिया है। और जो हमारी राज्य कमेटी बहुत ही अच्छी कमेटी है, उसमें एक राज्य उपाध्यक्ष हमारे जिले में भी मैडम नवीन जी, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने जो कल कमेटी जो बैठक की है उसमें एक ही निर्णय लिया है कि हमारे देश पे जो आज संकट आया है, जो विदेश यानी कि पाकिस्तान है, उसकी जो नीयत है वो खराब हो चुकी, उस नीयत को सबक सिखाने के लिए हमने देश हित को देखते हुए ये हड़ताल सामूहिक ज्वाइनिंग देने का फैसला लिया है। बात की एनएचएम कर्मचारियों से, उनका कहना है कि वो पिछले 3 दिनों से जो धरने पर बैठे थे, सरकार ने उनकी आज मांगे मान ली हैं, उनकी एकजुटता जो है आखिर आज रंग लाई है। सरकार ने कुछ मांगे उनकी मान ली, अब कुछ जब कुछ मांगों का उन्हें आश्वासन दिया है, तो फिर भी वे चाहते हैं कि जब तक सरकार उनकी पूर्ण रूप से जो उन्हें आश्वासन दिया गया है उन्हें पूर्ण रूप से जब तक नहीं मान लेगी, वे इसे थोड़ा अधूरा ही मानते हैं। आखिर इनकी एकजुटता भी बहुत ज्यादा रंग लाई है, आज उन्हें खुशी की भी लहर है, और कर्मचारियों का कहना है कि आज से वे ड्यूटी भी ज्वाइन कर रहे हैं।